जय जगन्नाथ दोस्तों, आज हम जानेंगे कि सिकंदर लोदी को, जो हमारे देश का और हिंदुस्तान का संत, परास्त किया था, उनके बारे में, उनके जीवन के कुछ हिस्सों के बारे में आज हम आलोचना करेंगे। तो जगह थी पंचगंगा घाट, और कई संत वहाँ मौजूद थे। आध्यात्मिक चर्चा चल रहा था, और गुफा के अंदर स्वामी रामानंद जी महाराज मानसिक पूजा कर रहे थे। वो मानसिक रूप में ईश्वर की, भगवान की पूजा कर रहे थे। तो पूजा के सब सामान एकत्र करके नैवेद्य चढ़ा चुके थे, मस्तक में चंदन लगाया और मुकुट भी पहनाया, पर माला पहनाना बाकी था। तो मुकुट के कारण माला अंदर नहीं जा रही पा रहा था। तो स्वामी जी बैठकर कुछ सोच रहे थे कि कैसे माला पहनाएं। इस समय रामानंद जी के शिष्य जो जिसके बारे में हम आलोचना करें, जो सिकंदर लोदी को परास्त किया था, वो थे संत कबीर महाराज। तो इनके बारे में हम आलोचना कर रहे हैं। तो संत कबीर महाराज के गुरु थे स्वामी रामानंद महाराज। तो रामानंद महाराज सोच रहे थे कि क्या करें। तो इस समय क्या हुआ, इस समय कबीर अपने गुरुदेव के हृदय की बात मालूम पड़ गई, और वह खड़ा हो गए और बोले, जाकर बोले, गुरुदेव माला के गांठ को खोलकर फिर उनको गांठ पका दीजिए, हो जाएगा। कबीर के बातों को सुनकर स्वामी रामानंद जी महाराज चौंक गए। अरे, मेरे हृदय की बात कौन जान गया? मैं तो मन ही मन सोच रहा था, मैंने तो किसी को बताया भी नहीं, और मेरे अंदर में बैठा हूँ और वो तो बाहर में है सब, तो किसी को पता चला? तो पास में बैठे थे संत कबीर महाराज। तो उन्होंने चौंक तो गए, फिर पूछा, मैंने तो कुछ बात नहीं की, कुछ प्रसंग आलोचना नहीं की, फिर तुम के क्या कर रहे हो, क्या कह रहे हो? कबीर जी बोले, हाँ, वैसा एक प्रसंग तो आ गया था गुरु जी, बाद में ना, ना गुरु जी तो चौंक गए। हाँ, शिष्य बोले, तो हम तो कुछ प्रसंग ऐसे आलोचना नहीं किए थे। और शिष्यों के भीतर आलोचना हुआ हुआ था कि कबीर जी, आप खड़े हो गए और गुरु जी को कुछ बोलने चले, क्या है बात ये? तो कबीर ने बोला, ठीक है, बात कुछ ऐसा है, लेकिन आप लोगों को पता थोड़ी देर बाद चल जाएगा। तो पूजा खत्म हुआ और रामानंद जी महाराज गुफा से बाहर आए, और बाहर आकर पूछे, कौन बोला था कि माला के गांठ को खोलकर फिर से बांधने के लिए? तो सब संत ने बोला, कबीर जी अकस्मात हमारे सामने ये बात रखी थी। तो रामानंद जी का हृदय आनंदित हो गया, और अपने प्रिय शिष्य को आलिंगन करने लगे और कहने लगे, वत्स, तुम मेरे हृदय की बात जान गए, मैं तुम्हारी भक्ति में संतुष्ट हूँ और तुम ही मेरा प्रिय शिष्य हो। और गुरु जी उनको आशीर्वाद दिए। और कबीर जी ने उन्हें, अपने गुरु को, आनंद विभोर होकर साष्टांग प्रणिपात भी किया और बोले, प्रभु, ये सब आपके विशेष अनुकंपा का फल है, मैं तो आपका ही सेवक हूँ। देखिए, ये एक जीवन है, कैसे कबीर जी को
दूसरे के हृदय की बात, मन की बात पता चल जाता था। तो ऐसे ये भक्त थे, आध्यात्मिक ज्ञान के भंडार थे। तो इनके आगे सिकंदर लोदी क्या, हिटलर क्या, सब भी परास्त हो जाते अगर उस समय होते तो। इन्हें युद्ध शायद नहीं होता, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कभी सामना होता तो हिटलर, उन्हें भी पता चलता कि भारत में कैसे कैसे संत हैं। ठीक है, और चलते हैं और एक कबीर जी के जीवन की एक घटना। तो एक बार कबीर जी विदेश गए थे और अरब में पहुँचे। वहाँ पर एक इस्लाम धर्म के एक प्रसिद्ध सूफी संत जहानी गश्त रहते थे। कबीर जी उनके ख्याति वहाँ पर सुने तो उन्हें भेटने के लिए, साक्षात करने के लिए गए। लेकिन वो जो संत थे वो अपने अहंकार में इतने डूब गए थे कि उनको, कबीर को देखने के लिए नहीं आए, साक्षात्कार उनका साथ नहीं किए। तो कबीर जी फिर लौट आए। तो फकीर ने सिद्धि प्राप्त किए थे लेकिन उनके अहंकार अभी भी द्रवित नहीं हुआ था, दूर नहीं हुआ था। तो एक दिन रात में फकीर स्वप्न देखे और स्वप्न में उनको आदेश हुआ कि एक जीवित महापुरुष आपको दर्शन करने आए थे और आप उनको दर्शन नहीं दिए, उनका दर्शन करने से ही आपका अज्ञान दूर होगा। तो ये स्वप्न देखकर चौंक गए और मन ही मन अपने को कोसने लगे, सच में भारत से तो एक संत आए थे मुझे दर्शन करने के लिए, लेकिन मैंने ही उन्हें दर्शन नहीं दिया अपने अहंकार के कारण। तो चल पड़े भारत और कबीर जी को भेटने, साक्षात्कार करने के लिए चल पड़े। तो और ऐसे सोचने भी लगे, अपने आप को कोसने भी लगे कि ऐसे महापुरुष मेरे द्वार पर आए थे लेकिन मैंने उनका अपमान किया, ओह शायद इसलिए अल्लाह ने मुझे आदेश दिया है। तो ऐसे सोचकर वो निकल पड़े भारत को कबीर जी को दर्शन करने के लिए। तो कबीर जी को पता चल गया, वो तो दूसरों के हृदय की बात जितने जान लेते थे, तो उन्हें भी पता चल गया कि जहानी गश्त जो अरब के एक संत हैं वो आ रहे हैं उन्हें देखने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, बैठने के लिए आसन का व्यवस्था किया और उनके आश्रम के सामने एक पिग घुसरी बांध दिया। और फकीर ने जब आश्रम के निकट पहुंचा तो दूर से वह सुअर को देखा, वह पिग को देखा। उनके मन में क्या आया, घृणा तो आना ही है, ये जो जीव है उन्हें देखकर तो घृणा आती है। तो उनके मन में भी घृणा हुआ और सोचने लगे कभी तो इतना संत है, बड़ा संत है, अल्लाह ने मुझे आदेश दिया कबीर जी को दर्शन करने के लिए, इतना बड़ा संत है लेकिन अपने द्वार में सुअर को बांधा है, कैसा संत है, सोचने लगे। संदेह में डूब गए। और ऐसे सोचकर वो विचार करने लगे, चलो इनको और दर्शन क्या करें ऐसे संत को जो अपने दरवाजे के निकट सुअर जैसे अपवित्र जीव को बांधा है और अल्लाह ने दर्शन करने के लिए इन्हें भेजा है। तो यह सोचकर लौटने लगे, चलो नहीं दर्शन करते हैं इनको, ऐसे संत को क्या दर्शन किया, इससे क्या होगा, क्या फायदा होगा इससे। यह सोचकर जब लौटने लगे तो कबीर पीछे से बुलाने लगे, संत महाशय आइए आइए, आप इतने दूर से आए हैं और यहीं पर अटक गए। तो यह कहकर कबीर जी उनके पास गए।
और उन्हें घर में बुलाए, सामान्य विश्राम किए और भोजन किए। उनके बाद कबीर के साथ उनका सत्संग होने लगा, चर्चा होने लगा। तो उन चर्चा के अंदर जहानग्रस्त कबीर जी को पूछा, आप तो इतना संत महापुरुष है, लेकिन इस जीव को आप क्यों बांधा है यहाँ पर? तो कबीर जी ने बोला, जहानिगस्त जी, मैंने ये जो आपने प्राणी दिखा है, ये ऐसा ऐसा जो भाव होता है प्राणी को देखने के लिए, ये जो घृणा का भाव है, यह भाव को मैंने अंदर से निकाल दिया है, लेकिन आप अभी तक अपने अंदर इसको रखा है। मैंने तो उसको बाहर रखा था, लेकिन अंदर नहीं रखा है, लेकिन आप इनको अंदर ही, अभी तक अंदर ही रखा है। ये जो द्वेष भाव है, घृणा भाव है, और इसको आप अभी तक अंदर में रखे हैं। तो समझ गए, और संत ने समझ गए कि ये क्या चीज़ है, कबीर क्या चीज़ है, वो क्या करते हैं। तो संत महापुरुष का काम कभी कभी साधारण लोगों के समझ में नहीं आता है। ऐसे जो उदाहरण हमने पेश किया, साधारण लोग के समझ में नहीं आता है कि वो क्या करते हैं। इसलिए भगवान भी कहा है, मैंने जो करता हूँ, मैंने उसे वो तुम न करो, मैं जो कहता हूँ वो करो। संत महापुरुष जो कहते हैं वो करना चाहिए, जो करते हैं वो करना नहीं चाहिए, कि वो किस भाव से क्या सोच कर करते हैं वो ही जाने, उनका समझ हम में नहीं है। अगर उनके समकक्ष हैं तो हम समझ सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये जो आपने आज सुना संत कबीर के बारे में, कुछ अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आगे हम ऐसे कहानी और संत महापुरुष के जीवन के बीते कहानी आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। तो अगर अच्छा लगा तो जय जय।